कटिहार के प्रांतपुर प्रखंड कार्यालय प्रांगण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रांतपुर अंचल मंत्री मोहम्मद मूसा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवार बासगीत पर्चा की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर मौजूद है। अनिश्चितकालीन धरना का नेतृत्व कर रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रांतपुर अंचल मंत्री मोहम्मद मूसा ने बताया कि 5 सूत्री मांग में मुख्य रूप से लाल कार्ड धारियों के जमाबंदी पंजी पर रकबा अंकित करते हुए लगान रसीद मुहैया कराए जाएं, जिससे सरकारी आमदनी या राजस्व मिल सके। लाल कार्ड के आधार पर बासगीत पर्चा और दखल कब्जा का अधिकार दिए जाए। भूमिहीन परिवार को बासगीत पर्चा मुहैया कराए जाए। समय समय पर परवानाधारी परिवार के ऊपर होने वाले सरकारी व गैर सरकारी जुल्म व अत्याचार को रोके जाएं। समस्याओं से संबंधित सूचनाओं सही ढंग से आम जन को जागरूक के रूप में दिए जाएं, जैसे कि भूमि सर्वे में हर प्रकार की घुसखोरी और कागजी बाधाओं से पर्चाधारी और आम जन को बचाया जा सके, जैसा कि मांग शामिल है। मुख्य उद्देश्य यही है जो 1984-83 में प्राणपुर प्रखंड में लगभग 200 परिवार को लाल कार्ड का परवाना दिया गया जी। लेकिन आज तक वो लाल कार्ड परवानाधारी को जमीन पर कब्जा नहीं दिया। ये अंचल पदाधिकारी और भूमि माफिया सब मिलके ये गरीब भूमिहीन महादलित को बेदखल रखा है। आज बहुत प्लॉट का रेकुआ आउट कर दिया और उसका जमाबंदी में रकुआ नहीं है। खाता खिचड़ा सही है लेकिन रकुआ नहीं है। ये राजस्व कर्मचारी और अंचल पदाधिकारी मिलके ये सब किया है। इस धरना का मकसद यही है मेरा। इस धरना स्थल में हम जो आज बैठे हैं, इस धरना के माध्यम से रकुआ वापस लेके उठेंगे और नहीं तो इसी तरह हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम ये अनशन करते रहेंगे। परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद मूसा, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल मंत्री।